हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। मैं डॉक्टर एस कुमार एक बार फिर न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेट की सभी बीमारियों का इलाज। दोस्तों, आज जो है हमारे भारत में पेट की सभी बीमारियों का इलाज के बारे में हम पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर पेट की बीमारियों से होती है। दोस्तों, पेट की बीमारी कई सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। क्या है पेट की सभी बीमारियों का इलाज? क्या है जानते हैं? कुछ सरल आयुर्वेदिक इलाज और कुछ दूसरे सरल उपाय जिन्हें अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पेट के रोग कई सारे और रोगों का कारण बन सकते हैं। क्या होते हैं पेट के रोगों के कारण और क्या है इसका इलाज? कुछ सरल उपाय जिन्हें हम अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पेट में कुछ आम रोग हैं जैसे एसिडिटी, ही मिचलाना और अल्सर। जानते हैं इनके कारण, लक्षण, इलाज और बचने के उपायों के बारे में। साथ ही यह भी जानते हैं कि कैसे योग अपनाकर और अपना भावनाओं में बदलाव लाकर हम इन रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी हमारे पेट में बनने वाला एसिड अम्ल और भोजन को पचाने का काम करता है जो हम खाते हैं, लेकिन कई बार पचाने के लिए पेट में पर्याप्त भोजन ही नहीं होता है या फिर एसिड ही आवश्यकता मात्रा से ज़्यादा बन जाता है। ऐसे में एसिडिटी या अम्लता की समस्या हो जाती है। इसे आमतौर पर दिल की चुभन या हार्ट बर्न भी कहा जाता है। वसा युक्त या मसालेदार भोजन का सेवन आमतौर पर एसिडिटी की प्रमुख वजह है। इस तरह का भोजन पचाने में मुश्किल होता है और एसिड पैदा करने वाली कोशिकाओं को आवश्यकता से अधिक एसिड बनाने के लिए उत्तेजित करता है। दोस्तों, इसमें जो है हम बताने जा रहा हूँ कि एसिडिटी बनाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पेट में एसिडिटी बनने के कारण क्या होते हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको लिए लेके आए हैं। इसमें बताने जा रहा हूँ, जैसे लगातार बाहर का भोजन करना, भूल जाना, अनियमित तरीके से भोजन करना, मसालेदार खाने का ज़्यादा सेवन करना। विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव भी एसिडिटी का कारण है। काम का अत्यधिक दबाव या पारिवारिक तनाव लंबे समय तक बना रहे तो शारीरिक तंत्र प्रतिकूल तरीके से काम करने लगता है और पेट में एसिड की मात्रा आवश्यकता से अधिक बनाने लगता है। दोस्तों, एसिडिटी का तुरंत इलाज क्या हो सकता है? देखिए, हम आयुर्वेदिक और डेली घर में यूज करने वाली चीज़ों से बता सकते हैं। जैसे सुबह क्या करना चाहिए, सुबह जो है पानी सुबह उठने के फौरन बाद पानी पिए। रात भर में पेट में बने आवश्यकता से अधिक एसिड और दूसरी गैस जरूरी और हानिकारक चीज़ों को इस पानी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, फल केला, तरबूज, पपीता, खीरा को रोजाना के भोजन में शामिल करें। तरबूज का रस भी एसिडिटी के इलाज में बड़ा कारगर है। नारियल पानी, अगर किसी को एसिडिटी की शिकायत है तो नारियल का पानी पीने से काफ़ी आराम मिलता है। अदरक खाने में अदरक का प्रयोग करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, इससे जलन को रोका जा सकता है। दोस्तों, दूध, भोजन के अम्लीय प्रभाव को दूध पूरी तरह निष्प्रभावित कर देता है और शरीर को आराम देता है। एसिडिटी के इलाज के तौर पर दूध लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को दूध से एसिडिटी को बढ़ावा भी मिलता है। सब्जी, बीज, सेम, कद्दू, बंद गोभी और गाजर का सेवन करने से एसिडिटी रोकने में मदद मिलती है। और लौंग, एक लौंग अगर कुछ देर के लिए मुंह में रख ली जाए तो
इससे एसिडिटी में राहत मिलती है। लौंग का रस मुंह की लार के साथ मिलकर जब पेट में पहुंचता है तो इससे काफी आराम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे चावल एसिडिटी रोकने में मददगार है, क्योंकि ऐसे भोजन की वजह से पेट में एसिड की कम मात्रा बनती है। समय से भोजन, रात का भोजन सोने से 2 से 3 घंटे पहले आवश्यक कर लेना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भोजन पूरी तरह से पच गया। इसके अलावा स्वास्थ्य बेहतर होगा। व्यायाम, नियमित व्यायाम और ध्यान की क्रियाएं पेट, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र संतुलन बनाए रखती हैं। दोस्तों, अब हम बताना चाहते हैं कि एसिडिटी दूर रखने के लिए किन चीज़ों से बचें, कौन सी चीज़ें आपके लिए जो है लाभदायक नहीं है, नहीं खानी चाहिए, जैसे कि तला भुंजा, वसायुक्त भोजन, अत्यधिक चॉकलेट और जंग पदार्थों से परहेज करें। शरीर का वजन नियंत्रण में रखने से एसिडिटी की समस्या कम होती है। ज़्यादा धूम्रपान, किसी भी तरह की मदिरा का सेवन एसिडिटी बढ़ाता है और इसलिए इसे परहेज करें। सोडा आधारित शीतल पेय व कैफीन आदि का सेवन ना करें, इसकी बजाय हर्बल टी का प्रयोग करना बेहतर है। घर का बना खाना ही खाएं, जितना हो सके बाहर के खाने से बचें। 2 बार के खाने में ज़्यादा अंतराल रखने से भी एसिडिटी हो सकती है। कम मात्रा में थोड़े थोड़े समय पर खाना खाते रहें। अचार, मसालेदार चटनी, सिरके का प्रयोग भी ना करें। इलाज, शरीर के अंदर उत्सर्जित हुई एसिडिटी की ज़्यादा मात्रा को निष्प्रभावित करके एंटासिड एसिडिटी के लक्षणों में तुरंत राहत प्रदान करते हैं। कुछ अन्य दवाएं हिस्टामिन अभिग्राहकों को रोक देती हैं, जिससे पेट कम एसिड बनाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो अंत तक जो है आप देखते रहिए और इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। मैं डॉक्टर एस कुमार एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 2 चैनल चल रहे हैं, डोलनीवा ब्लॉग्स एंड डोलनीवा रेमेडीज के नाम से। थैंक यू।